से यही अपील करना चाहते हैं कि हम जैसे आप लोगों के बीच में पहले भी सेवा करते थे और इस बार हमको सेवा का मौका दे जिताए है ना, ताकि हम इससे बढ़कर चढ़ बढ़कर आप लोगों के बीच में रहे और आप लोगों की सेवा करें। बस इसी के लिए हम खड़े हुए हैं आप लोगों के बीच, BTC प्रत्याशी हैं। आखिरकार चुनाव लड़ने का मतलब क्या, आपको ये जोश और जुनून किस लिए चुनाव लड़ने का निर्णय लिया है? मतलब यहाँ पर ऑलरेडी जीते हुए होंगे और बहुत से कैंडिडेट होंगे, तो आप आखिर चुनाव लड़ने का क्या देखकर चुनाव लड़ रहे हैं? हम यही देख के चुनाव कि हमारे जो पंचायत जो है गढ़ार राज पंचायत है ना, देख रहे हैं इसमें विकास की बहुत कमी है। कहीं भी जाइए, अभी हम बैकुंठपुर गाँव में आए हुए हैं, हम इसके पहले भी एक इंटरव्यू में बोले हुए हैं, पहले बैकुंठपुर के गाँव में ही बोले हुए हैं, सबसे पहले इस गांव में आने का रास्ता सही नहीं है। और इस समय तो अभी ठीक है ना, क्योंकि सब खेत कटा हुआ है, लेकिन जब बरसात होती है ना तो आप इस गांव में आइएगा तो सही से नहीं आ पाइएगा, या तो उधर ही बाहर ही किधर भी गाड़ी अपना, अगर जैसे मान लीजिए किसी का शादी ब्याह हुआ चाहे कोई विदाई करके ला रहा है, बेचारा दूर ही गाड़ी लगा कर अपने जो भी घर के बहू बेटी को है पैदल लेके आता है। बरसात में इस गांव में आने जाने में बहुत परेशानी है, इसको देखकर अपने गांव को देखकर आप हमारे गांव में भी चलिएगा, इसके बाद देख लीजिएगा जो मेन रोड है उस पे है ना कितना परेशानी है, यही सब देखकर। और जो भी वर्तमान BDC प्रत्याशी हैं जो वो क्या किए हैं ये तो हम नहीं बताएंगे, ये तो जनता बताएगी है ना। जी मैं मोहम्मद इलियास, BDC प्रत्याशी, जो मेरा चुनाव चिन्ह है नारियल छाप 1 नंबर पे है। मैं जनता से यही अपील करना चाहता हूँ कि आप लोग इस बार 1 नारियल छाप पे बटन दबाकर और हमको जिताए और सेवा का मौका दे, ताकि हम आप लोगों को जितना हो सके आप लोगों को सेवा करें और आप लोगों के बीच में हमेशा रहें और रहेंगे। धन्यवाद जी। गढ़ार पंचायत के BDC प्रत्याशी इलियास अली चुनाव लड़ रहे हैं और अभी बैकुंठपुर में भ्रमण कर रहे हैं अपने समर्थकों के साथ, तो क्या कुछ संदेश देंगे जनता को? हम जनता से अपील करेंगे कि जो वर्तमान प्रत्याशी हैं चाहे किसी भी पोस्ट पर हो, अगर काम नहीं कर रहा है तो उसे बदल दीजिए। हमें बिकाऊ नेता नहीं चाहिए जी। हमें टिकाऊ और काम करने वाला नेता चाहिए जी। ये सोचकर हम लोग इलियास जी का सपोर्ट कर रहे हैं। आखिरकार क्या देख लिया इलियास जी में जो आप उनके दीवाने हो गए और इनके लिए वोट मांगने के लिए बैकुंठपुर से गढ़ार जाते हैं, सिंघई जाते हैं, बनवासा जाते हैं, और क्या कुछ देखा इलियास जी ने? इनमें एक खूबी है कि ये युवाओं के बीच में रहते हैं, बुजुर्गों के बीच में रहते हैं, बच्चों के भी बीच में रहते हैं, हमेशा किसी भी काम में तत्पर रहते हैं, चाहे कोई भी किसी का भी घर का काम हो उसमें तत्पर रहते हैं, समय देते हैं, यानी कि अपना निजी काम छोड़ करके यहाँ तक कि ये जुड़े हुए हैं किसी वर्क से, विद्यालय से भी जुड़े हुए हैं, समाज के काम के लिए उनको वहाँ नहीं जाना होता है, वो भी काम छोड़ देते हैं, लेकिन पहले समाज का काम देखते हैं, वहाँ रहते हैं, दिन भर अपना समय वहाँ व्यतीत करते हैं, ये सब खूबियाँ हैं इनमें। सर कुछ लोगों का कहना है कि इस गांव में आज तक ऐसा सड़क नहीं बना है जिससे गांव के लोग यूज़ करें और नेताजी का नाम करें, तो विगत 5 साल में क्या विकास हुआ कुछ बताएंगे? ये 5 साल ही नहीं, ये हम 10 साल की बात करेंगे जी। क्योंकि मैंने भी मुखिया चुनाव लड़ा था जी। अगले साल जी। लेकिन शायद अब बदलाव हो रहा है, शायद मुझे अब जिस कारण से जनता पसंद न की हो लेकिन जनता अब समझ रही है कि विकास चाहिए जी। भरपूर एकदम समझ रही है कि अब विकास चाहिए। 10 साल में क्या विकास हुआ है यहाँ पर? आप हमारे साथ हैं, हम और गांव के रोड भी दिखाएंगे, गली नली भी दिखाएंगे कि बरसात का मौसम है किस तरह रोड पर पानी जमा होता है। यानी चुनाव आते ही जैसे बरसात के मेढक होते हैं वैसे नेता लोग बाहर आ जाते हैं, चुनाव के बाद अपने घरों में एकदम आवाज तो एकदम उठाते ही नहीं है, किसी काम पर गौर करते ही नहीं है, बस चुनाव के समय दिखाएंगे कहीं मुर्गा बनेगा, यही सब चलता है चुनाव के समय ही, कहीं 50 का भीड़ जुटा करके जी। पार्टी चल रही है तो कुछ चल रही है,
और मूर्ख बनाते हैं जनता को। सबसे बड़ी बात है कि मूर्ख बनाते हैं। हमारे भोली भाली जनता उनके बहकावा में आ जाती है, लेकिन मुझे लग रहा है कि अब जनता की सोच बदल रही है। वो दारू और मुर्गा पर वोट नहीं करेंगे। जो समाज में रहेगा उनके लिए दिन रात काम करेगा उसके लिए वोट करेंगे। ये जनता तय कर रही है। एक बार जनता से मैं जानना चाहूँगा, तालियों से अपना आवाज दे करके इस चीज को जनता बताएगी। अपना परिचय दे सर। मेरा नाम अखिलेश कुमार हुआ जी। उर्फ नन्हे सिंह जी। इसी पंचायत में गणार दहा नदी पुल के पास एलपी डिप्ले कमीशन पब्लिक स्कूल में चलाता हूँ। और मैं समाज में ही रहता हूँ। स्कूल के माध्यम से भी मैं गरीब चाहे कोई भी, मेरे पास गाड़ी भी है, कोई इमरजेंसी में फ़ोन कर दे, मैं उसमें पैसा का बात नहीं करता हूँ। तो गरीब तन मन धन से एकदम गरीब बच्चा है, गरीब बच्चा है, फीस देने लायक नहीं है, उसका मैं सेवा करता हूँ। ये मेरे साथ ये भी जुड़े हुए हैं, मैंने इनको भी जोड़ा हुआ है। मेरे साथ मिलकर कहीं ना कहीं गरीबों का समाज का काम ये भी करते हैं। धन्यवाद सर। गणार पंचायत के अलियास जी अभी अपना भ्रमण कर रहे हैं और आपके बैकुंठपुर में पहुंचे हुए हैं जो बीडीसी प्रत्याशी हैं, तो इनको क्या कुछ कहेंगे इनके बारे में, अलियास जी के बारे में? गणार पंचायत में सुशील और सुयोग्य और कर्मठ नेता है जी, काम करेंगे। क्या देखकर अलियास जी को आप अपना वोट देंगे या अपना समर्थन देंगे? ये बहुत बढ़िया आदमी है। ये विगत 5 साल में जैसा आप इस गांव के रहने वाले हैं, लोगों का कहना है कि बिल्कुल ही रास्ता नहीं है कि हम लोग अपने बहन बेटी का बारात या घर का मैयत निकाले, तो आखिरकार ऐसा क्यों हुआ है? जो चुनाव जीता वो कार्य नहीं करा है, इसका मतलब जी, तो इस पर क्या कहेंगे आप? हाँ, सब सब ऐसी है, काम नहीं हुआ है, कोई काम नहीं हुआ है। ना। आप अपना परिचय दें। बैकुंठपुर नाम बता। महात्म सिंह। तंत्र मंत्र के बादशाह भारत के जाने माने सर्वश्रेष्ठ गुरु खान बंगाली मिलेगा हर समस्या का समाधान गारंटी के साथ। पहले तो मेरा व्यापार ठीक ठाक चल रहा था, मगर पिछले 1 साल से इतना घाटा लगा, मेरा मकान दुकान फैक्ट्री सब बिकने की नौबत आ गई। तब मैं बाबा जी से मिला, चमत्कार ही कहूँगा, 2 महीने के अंदर काया पलट हो गई और आज मेरा व्यापार पहले से बहुत बेहतर है। मेरा अफेयर एक लड़के के साथ था जो मेरे ऑफिस में ही था। हम शादी करना चाहते थे पर उनके घर वाले मान नहीं रहे थे। मैं बाबा जी की शरण में आई, 1 महीने में ही उनके घर वाले मान भी गए और हमारी शादी भी हो गई। मेहनत और ईमानदारी के बावजूद पिछले 3 सालों से मैं एक ही पोस्ट पर काम कर रहा था, फिर मैं बाबा जी से मिला और झट से मेरा प्रमोशन हो गया। आज मैं सेल्स मैनेजर हूँ। मेरी बेटी की शादी के लिए बहुत से रिश्ते आते थे पर कोई न कोई अड़चन पड़ जाती थी, इसी वजह से मेरा पूरा परिवार बहुत परेशान था। बाबा जी की दुआओं से आज मेरी बेटी एक बड़े घर की बहू बनी। भटको चाहे जहां, काम होगा सिर्फ यहां। ग्रह कलेश, कर्ज मुक्ति, प्रेम विवाह, जादू टोना, पति पत्नी में अनबन, सौतन या दुश्मन से छुटकारा, विदेश यात्रा में रुकावट, फिल्मों में प्रवेश और कोर्ट कचहरी जैसी समस्याओं का समाधान गुरु खान बंगाली 3 घंटे में पाए घर बैठे समाधान। अभी फोन करें गुरु खान बंगाली